खबर सीहोर से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में जहां स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं, तो वहीं डॉक्टरों के समय पर नहीं आने व स्टाफ में विवाद के साथ ही वरिष्ठों की अनदेखी देखी जा रही है। आए दिन हो रहे विवाद के बाद आज CBMO मनीष सारस्वत द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई अनियमितताएं लापरवाही पाई गई, जिसको देखते हुए CBMO श्री सारस्वत द्वारा कार्रवाई करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया। तो वहीं लाड़कुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी महेश पांडे के स्थान पर अब प्रभार प्रदीप जायसवाल को दिया गया। इसके साथ ही अन्य कार्रवाई करने की बात कही। सबने वो बॉर्डर डाला की यार, यहाँ पे पोस्टर लगा चुका है, यहाँ पे लगाए तो बढ़ते क्यों नहीं हो? चले कम हो ऊपर, इनकी बात की बढ़ते तो क्या लगा? ये क्या है? फिर सबने बॉर्डर डाला की है। सर, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई का आपने निरीक्षण करा, क्या अनियमितताएं देखी गई और क्या कार्रवाई की जाएगी? आज मैंने जो अचानक जो निरीक्षण किया है, उसमें जो जो कमियां पाई गई हैं, उसके लिए मैंने यहाँ सेक्टर डॉक्टर को पूरी तरह समझाया है। जो जो चीज़ें मुझे कमी दिखाई दे रही हैं, मैं स्वयं लेके गया हूँ। और जिस तरह से सोनोग्राफी की बात निकली थी, यहाँ सोनोग्राफी मशीन रखी हुई है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपको ये संज्ञान में ला दूँ कि इसमें एक डॉक्टर MD रेडियोलॉजी की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसमें हम जच्चा बच्चा के लिए हमने जरूर, आज मेरे राउंड लेने पर मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ पर जो है एक हम अपने यहाँ की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको सप्ताह में एक दिन हम जरूर यहाँ पर USG एब्डोमिन के लिए या जच्चा बच्चा की जो सोनोग्राफी होती है, उसके लिए हम जरूर से जरूर मैं उनको यहाँ पर भेजूँगा। ये देखिए क्या कार्रवाई की गई। उसमें मैंने ये कार्रवाई की है कि यहाँ के डॉक्टर पांडे जो हैं, जो कि सेक्टर डॉक्टर हैं, उनका कार्य मुझे आज सही नहीं लगा है और उनके स्थान पर अब मैं जो है डॉक्टर जायसवाल को सेक्टर डॉक्टर जो है वो पूरा ऊपर CMHO साहब के पास भेज के और इनको परिवर्तित करूंगा। इसमें अब सेक्टर डॉक्टर जो है वो जायसवाल साहब रहेंगे। सर, नाइट के लिए भी कोई रहेगा? नाइट के लिए भी, जैसे आप मुझे मीडिया के थ्रू पता चला था कि 7-7 दिन में आते हैं, मेरे पास इनका रोस्टर हमेशा 24-24 घंटे का आया और मैंने स्ट्रिक्टली डॉक्टर साहब लोगों दोनों को बोला है कि आप लोग जो है 24-24 या 12-12 घंटे की ड्यूटी करेंगे और यहाँ पर नाइट में भी अब स्टाफ पूरी तरह मिलेगा। और साथ ही मैंने इनकी 2 इंक्रीमेंट और दोनों डॉक्टरों की तनख्वाह रोकने के लिए भी मैं CMHO सर को आवेदन दूंगा।